तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल क्या हो सकता है, आज क्या रहा आपके लेवल्स और राशि पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट की। आज मैंने बोला था मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा मार्केट। आपको दो टाइम दिए थे, 11:35 और दूसरा टाइम था 14:20, मतलब 2:20। ये दोनों टाइम पे आप देखो जो लो लगाया है दोनों टाइम पे वहाँ से मार्केट वन साइडेड ऊपर ही गया है, वो लो कटा नहीं है। मतलब अगर हम देखें 11:35 का जो लो था वो एग्जैक्ट लो था, वहाँ से 600-700 पॉइंट की रैली दी है। इसके बाद 2:20 का अगर आप देखते हो लो देखो, जो 20 की कैंडल क्लोज हुई है उसके बाद जो एक लो नीचे की तरफ लगा के फिर ऊपर गया है, तो ऊपर तो दोनों टाइमों पे मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, देखो ये होता क्या है और फायदा क्या है ये टाइम का। फायदा ये है कि वहाँ पे आप मूवमेंट पकड़ सकते हो। आप पूरे दिन तो आप मार्केट के चक्कर में नहीं बैठे रहोगे कहाँ से कहाँ जाएगा, तो उस टाइम पे आपको डर लगता है। उस टाइम के आगे एक या दो कैंडल 5-5 की क्लोज होने दो, तो आपको अपने आप बता देंगी दोनों कैंडल के जो 20 वाली है कहाँ क्लोज है, इसके ऊपर हो रही है इसका मतलब ऊपर जाएगा, नीचे क्लोज होती है नीचे जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं 26 जून की। 26 जून को कुछ बड़ा होने वाला है, पहले से बता रहा हूँ, मार्केट आपकी पकड़ से बाहर रहेगा कल। फिर भी मैं आपको वीडियो में पकड़वाने की कोशिश करता हूँ मार्केट को। ठीक है, 26 जून को क्या है, दोनों साइड रहेगा मार्केट। जो मैं मेंबर ओनली वीडियो में बताया हूँ डाउन साइड रह सकता है। अब आप यहाँ पे टाइम देखो, मेन जो टाइम है एक है आपका 10:15 का टाइम। तो यहाँ से मेरा मानना है कि यहाँ से ऊपर मार्केट सुबह में थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 13:05 का टाइम, फिर है 13:50 का टाइम। तो ये तीन टाइम है, इन टाइम पे दो दो कैंडल क्लोज होने दो। आपको डर लगता है, एट ए टाइम मन ढूंढोगे भाई बिल्कुल ये है, अगर आपकी फेवर में जा रहा है तो आप उस पर काम कर लो। ठीक है, तो मार्केट के मतलब कुछ अजीब टाइप का रहेगा कल मार्केट। वन साइडेड जैसे आज रहा है कल पैसा दिया है ऐसा नहीं रहेगा। हम BTST लेके गए थे, 215 की थी शायद, उसने 850-870 का हाई लगाया है। मैं उसको बताता रहा 420 के ऊपर जाएगी इतने पॉइंट देगी, 720 के ऊपर जाएगी इतने देगी, पता नहीं और भी ज़्यादा गई हो बाद में। ठीक है, तो जो आपको दो दिन, मैं आपको आज एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर आपने मेरी इस बात के ऊपर अमल कर लिया आप लॉस में नहीं रहोगे। मेरी बात मानते हो या जो आदमी मानोगे, सिर्फ वैसे कोई मानेगा नहीं, सिर्फ वही आदमी मेरे को व्हाट्सअप करना जो नहीं मानेगा नहीं। अभी आप कल काम ही मत करना, कल आप काम मत करना और आपका दिल नहीं मानता तो एक लॉट पर करके देख लेना, फिर आपको पता लग जाएगी कि मेरे को सही बताया था या गलत बताया था। देखो जो प्रॉफिट कमा लेते हैं उनसे नहीं, जो कुछ अनजान आदमी है पहली बार काम कर रहे हैं वो मत काम करना कर, मैंने आपको बता दिया, उसका कारण भी बता देता हूँ। मार्केट हमेशा ऐसे करता है, दो दिन पैसा लगातार देता है और वन साइडेड पैसा दिया है। जिसने पूरे दिन कॉल खरीदी वो लॉस में ही नहीं है, टॉप पे जाके मार्केट बंद हुआ है। ठीक है, तो मेरी एक बात मान लो, मार्केट आपको 5-6 दिन जो पैसा देता है वो डबल ट्रिपल करता है। चलो हम 4-5 नहीं मान रहे, डबल तो हो सकता है ना। ठीक है, तो अभी बात करते हैं 26 तारीख की। 26 का मैंने आपको बता दिया, तीन टाइम बताए मैंने आपको, और ये जो तीनों टाइम है मेरी तरफ से नेगेटिव साइड के टाइम है। जो लास्ट वाला है उसको आप देख लेना, पर मेरी तरफ से तीनों ही टाइम नेगेटिव के। अगर इन पे नेगेटिव होता है आपने वो कैम देखो, उसमें अगली 5-5 की दो कैंडल
जैसे मैंने दिया 10:15, आपने 20 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल की अपेक्षा कहाँ क्लोज हुई, उधर कुछ न कुछ देगा आपको, ठीक है। तो ये देख लेना टाइम का, टाइम में इसलिए दे रहा हूँ थोड़ा कल वोलेटाइल मार्केट रहेगा तो वो आप कुछ पकड़ सको वहाँ पे, मतलब ठीक है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट लेवल्स की। देखो निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट ले लिया, निफ्टी का जो हमारा रेजिस्टेंस था वो आज काट दिया, जिस पे हम कई पिछले 10-11 दिन से ट्रेडिंग सेशन में नीचे झूल रहे थे, 350 और 650 के बीच में घूम रहे थे, ठीक है। 300 650 मान लो जो भी है, या 600 और 300 मान लो, वो आज ब्रेकआउट लिया है और मार्केट ऊपर टॉप पे जाके बंद हुआ है, ठीक है। तो कम से कम मार्केट का इतना तो बनता ही है कि वो जो लेवल है 660 उसको रिटेस्ट करेगा, और वहां पे देख लेना अगर वहां से नीचे नहीं जाता तो वो पॉइंट बहुत अच्छा बाइंग का रहेगा। 620 को करे, 610 को करे, या 23,660 को करे, ये रिटेस्ट बनता है, मतलब टेक्निकल के हिसाब से होने को तो वो कर लेता है कैंडल पे, पर वो मान्य नहीं होता है, ठीक है भाई। तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको 200-300 पॉइंट ऊपर देने के चक्कर में निफ्टी, तो नीचे कोई लेवल आता है 600 के आजू बाजू आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी मार्केट में कल, या 650 आता है, ये पता नहीं कितना आएगा। मैंने आपको रिटेस्ट का बताया। बैंक निफ्टी का जो आज का हाई है 52,720 के करीब है, तो वहाँ से ऊपर जाता है तो फिर वो 200-300 पॉइंट आपको दे सकता है, या 53,200-300 तक दे सकता है, पर उतनी उम्मीद कम है, ठीक है। तो फिर अभी ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, अगर ये आज का हाई कटता है तकरीबन वहीं तो बंद हुए हम, या गैप अप खुल जाते हैं 100-150, तो अभी जो रेजिस्टेंस आएगा 53,050 और ऊपर 150 और 220। अगर कहीं ये कटते हैं तो फिर बड़ी रैली आपको मिल सकती है, पर वो मेरे को उम्मीद नहीं है कल की, बात समझ गए, कल उम्मीद नहीं है कोई बड़ी रैली की। तो जहां आप BTST में कॉल लेके गए, जहां ये 100-150-200 मिलते हैं, एक बार प्रॉफिट बुक करो तो तसल्ली से बैठ जाओ एक घंटा, जब तक आपका टाइम आ जाएगा क्या करना है। मैं फिर बता देता हूँ, जो टाइम मैं बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि आपको नेगेटिव ही हो मार्केट, आपने खुद देखना है, मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है। तो आपको बैंक निफ्टी का पता लग गया क्या करना है ऊपर की तरफ, अब नीचे की तरफ कहाँ सपोर्ट आएगा, वो 400 है, हमने उसको रीटेस्ट किया है आज, तकरीबन थोड़ा 10-15 पॉइंट से रह गया था, नहीं तो ऊपर से 250-300 पॉइंट नीचे आया था बैंक निफ्टी, और रीटेस्ट भी किया है, तो वो कल देखते हैं क्या करता है, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको राशिफल बता देता हूँ कल का। तो कल भी जो राशि है वो कई कमजोर है, 4 राशि कमजोर आ रही है। तो हम बात करते हैं मेष राशि के 4 पॉइंट हैं, वृषभ के 2 पॉइंट हैं, और मिथुन राशि के 4.5 हैं, कर्क के 2 हैं, सिंह के 1.5 हैं, और कन्या राशि के 2.5 हैं, तुला के 3 हैं, वृश्चिक के 3.5 हैं, धनु के 5 हैं, और मकर राशि के 2 हैं, कुंभ राशि के 4 और मीन राशि के 4.5 पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बताएं ये 5 में से हैं, मतलब अगर आपका 1 पॉइंट है 20%, 2 है तो 40%, 3 है तो 60%, मतलब दिन प्लस दिन अच्छा हो या ना हो, ये जो मैं आपको बताता हूँ ये बताता हूँ पैसा के मामले में, ट्रेडिंग के मामले में, बात समझ रहे। और ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम सही है तो ये कहीं ना कहीं सही होती है। और अगर राशि से ओवरऑल देखो तो यहाँ से अभी जो
मून जिस राशि में चल रहा है ये वृश्चिक राशि से ऑनवर्ड की जो राशियां हैं आगे आने वाली राशि, चार पांच राशि मान लो, वो उनके लिए ये टाइम पॉजिटिव है एक दो दिन। ठीक है, तो आपको पता लग गया कल क्या करना है कैसे करना है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीक के शेयर भी बहुत अच्छे भागे हैं हमारे, जो इस वीक में बताए हुए थे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। थैंक यू, जय हिंद।